हाय फ्रेंड्स, रेलवे NTPC 2019 या फिर SSC CHSL या फिर कोई भी ऐसा एग्ज़ाम जिसमें आपकी हिस्ट्री आती है। देखिए फ्रेंड्स, आपको मैं बता दूं कि MCQ करने या फिर आप जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हैं उसको करने से आपको कभी बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। बिल्कुल आपको कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर होनी चाहिए, पूरा आपको पता होना चाहिए कि हिस्ट्री में क्या है, कितना कुछ है हिस्ट्री में। जब आपको वो पता होगा तो आप खुद से सब कुछ कर लेंगे, आपको वो 25 क्वेश्चन रटने इसकी किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कल मैंने जैसे प्राचीन काल का पहला वीडियो डाला था उसमें आपको MCQ कराए थे, उस पर भी मैंने एक्सप्लेन करके आपको बताया था। लेकिन आज से मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्राचीन भारत को थ्योरी वाइज लेके चलूँगा और साथ में जैसे ही कोई टॉपिक क्लियर होगा मैं उसके बाद उसके MCQ करा दूँगा आपको। क्योंकि देखिए, बिना MCQ क्लियर, बिना टॉपिक क्लियर हुए आपको कोई फ़ायदा नहीं होता है। 25 क्वेश्चन में उठा के यहाँ से आपको दे दूँ, 25 क्वेश्चन में मैं वहाँ से उठा के दे दूँ, इसका कोई नहीं बनता है। ठीक है, तो देखिएगा, आप पूरा वीडियो देखिएगा, आपको जहाँ जहाँ क्वेश्चन जो बनते हैं मैं सारे बता दूँगा कि ये क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। आपको हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ज्योग्राफी हो गई और साइंस हो गई, ये मैं आपको जितना टाइम है अभी तक एग्ज़ाम तक पूरी तरीके से अच्छे से क्लियर कर लिया जाएगा। ठीक है, आप साथ बने रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे ग्रुप से आप ऐड है, आपका बेहतरीन हेल्प होगी। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले देख लीजिए हम आज क्या क्या पढ़ेंगे। हमको आज पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक है, पूरा तो हम नहीं पढ़ सकते क्योंकि मैं इतना लंबा वीडियो नहीं बनाऊँगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता में आज मैं क्या क्या बताऊंगा आपको, मैं बताऊंगा भूमिका इसकी, कि इसको कैसे, कहां पे, क्यों इसकी खोज हुई, कैसे हुई, ये चीज़ बताऊंगा आपको। सबसे बात भी बात बताऊंगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता क्यों पड़ा, ये आपको बताऊंगा। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का भौगोलिक विस्तार क्या है, कहाँ से कहाँ तक सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई थी, इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजना कैसी थी, ये मैं बताऊँगा। फिर मैं आपको इसमें एक बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा जो मैं अपने सारे वीडियोस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूं, जिससे आपको एक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट होगा जो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की जैसे मैंने कहा भूमिका, तो मैं आपको बता दूं जो वर्षों पुरानी सिंधु घाटी सभ्यता है, ठीक है, वो 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक एक गुमनाम सभ्यता थी। मतलब 20वीं सदी के द्वितीय दशक तक इसको कोई नहीं जानता था। तो अर्थात जो लोग थे इस सभ्यता के बारे में अपरिचित थे, मतलब इस सभ्यता के बारे में कोई जानता नहीं था। तो विद्वानों की ऐसी धारणा बना ली थी विद्वानों ने, विद्वान कहते थे कि जो सिकंदर का आक्रमण जब हुआ था 326 ईसा पूर्व, तो उनका कहना था कि इसके पूर्व भारत में कोई सभ्यता नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि जैसे ही 20वीं सदी के तृतीय दशक आया तो उसमें दो पुरातत्व, अब मैं यहाँ से देखिए मैंने नोट किया इम्पॉर्टेंट चीज़, दो पुरातत्व तो शास्त्रियों जिनका नाम था दयाराम साहनी तथा राखलदास बनर्जी, इन्होंने क्या किया, हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों से पुरावस्तुएं प्राप्त कर यह सिद्ध कर दिया कि सिकंदर के आक्रमण के पूर्व कोई सभ्यता थी जो अपने समकालीन सभ्यताओं में सबसे विकसित थी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ बन जाता है, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी, पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में उत्खननकर्ता में मेन सहयोग इनमें से कौन से दो पुरातत्वविद थे, तो उसमें से राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी जी का नाम आता है। फिर बात करते हैं कि देखिए, फिर बहुत सारे विद्वान आए, बहुत सारे जो आए उन्होंने बहुत सारी महत्वपूर्ण सामग्रियां प्राप्त की उत्खनन के द्वारा, जिससे हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिलने लगी। अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा नगर की खोज की गई थी। अब जब हड़प्पा नगर की खोज की गई तो इसीलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु सभ्यता को इसके प्रथम स्थल हड़प्पा के नाम पर हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं इसका कुछ भौगोलिक विस्तार के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात करूँ तो ये उत्तरी सीमा जो इसकी थी वो जम्मू कश्मीर के मांडा ज़िले तक थी। ठीक है, उत्तरी सीमा क्या थी, जम्मू कश्मीर के मांडा ज़िले तक।
तथा जो इसकी पूर्वी सीमा थी वो क्या थी, पूर्वी सीमा इसके आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक थी, और इसकी जो दक्षिणी सीमा थी वो महाराष्ट्र दैमाबाद तक थी, तथा इसकी पश्चिमी सीमा सुतकांगे डोर बलूचिस्तान सीमा पश्चिमी सीमा। देखिए ये पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की सीमा इनमें से कहाँ तक फैली थी, तो चार ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, सारे ये लिख दिए जाएंगे, उसमें से आपको टिक लगाना होगा, ठीक है। तो ये आपको पता चल गई। तो फिर आप थोड़ा सा देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। सबसे पहले तो बात यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता कौन से युग की थी, तो कांस्य युग की थी। कहते हैं जिसका उद्भव मतलब इसका विकास कहाँ हुआ था, ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिम क्षेत्र, जो अभी मैंने बताया भारत का पश्चिम क्षेत्र सुतकांगे डोर बलूचिस्तान जो है, पश्चिमी क्षेत्र में इसका क्या हुआ था, उद्भव हुआ था, मतलब इसका जो विकास हुआ था उसके पश्चिमी क्षेत्र से ही हुआ था। इसका विस्तार भारत के अलावा अगर बात करूँ पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान के कुछ क्षेत्रों में भी था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो अब कैसी त्रिभुजा आकार की थी। सिंधु घाटी सभ्यता का स्वरूप कैसा था, त्रिभुजा आकार था, ठीक है ना। और मैं बता दूं कि अगर देखा जाए तो यह उत्तर से दक्षिण में लगभग 1100 किलोमीटर तथा पूर्व से पश्चिम लगभग 16 किलोमीटर तक फैली हुई थी। और अभी तक तो जितने भी उत्खनन प्राप्त किए गए हैं अनुसंधान द्वारा करीब 2800 स्थल प्राप्त किए जा चुके हैं, ठीक है। तो आपके लिए ये तीन लाइनें बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी, इसका उद्भव कहाँ से हुआ था, ताम्रपाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था, तथा इसका विस्तार पाकिस्तान भारत के अलावा अन्य किन देशों में है क्षेत्रों में था, जो पाकिस्तान अफगानिस्तान में था। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता अपने स्वरूप में त्रिभुजाकार थी, ये मैंने बता दिया। इसका क्षेत्रफल लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। फिर क्या हुआ कि सर्वप्रथम एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। क्या नाम था उनका, चार्ल्स मैसन। उन्होंने 1826 ईस्वी में सिंधु सभ्यता का पता लगाया, उन्होंने ही सिंधु सभ्यता का 1826 ईस्वी में पता लगाया था। फिर इसके बाद उन्होंने अपनी एक पुस्तक में 1842 में इसका वर्णन किया, ठीक है। तो ये तो आपका केवल पता लगाने की बात करी जा रही है। फिर क्या होता है कि 1921 ईस्वी में, 1921 का टाइम जब आता है तो 1921 ईस्वी में एक भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के तत्कालीन अध्यक्ष थे जिनका नाम है सर जॉन मार्शल, इन्हीं के नेतृत्व में पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने उत्खनन के द्वारा प्रमुख नगर हड़प्पा का पता लगाया। तो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन रहे हैं, हड़प्पा का पता किसने लगाया, दयाराम साहनी ने, किसके नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। हड़प्पा नगर की स्थापना या खोज कब की गई थी, 1921 ईस्वी में, इतने क्वेश्चन बनते हैं। फिर इन्हीं सर्वप्रथम हड़प्पा स्थल की खोज के कारण इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया। फिर देखते हैं कि सर जॉन मार्शल, देखिए जो सर जॉन मार्शल थे, सर जॉन मार्शल के ही दिशा निर्देश में ही राखलदास बनर्जी द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल मोहनजोदड़ो की क्या की गई थी, खोज की गई थी। इन्हीं के, सर जॉन मार्शल के ही नेतृत्व में एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था राखलदास बनर्जी। उन्होंने सन 1922 में मतलब एक साल बाद मोहनजोदड़ो नगर की खोज करी। तो ये सिर्फ क्वेश्चन पूछा जाता है। कहते हैं कि रेडियो कार्बन मतलब जो नवीन नवीन विश्लेषण पद्धतियां आई उनके माध्यम से ये पता लगाया गया या निर्धारण किया जाता है कि सिंधु सागरी सभ्यता का जो निर्धारण है वो 2500 ईसा से 1750 ईसा पूर्व तक है। तो डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता का टाइम, तो 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक माना गया। कहते हैं लेकिन नवीन जो शोध हुए हैं उसके अनुसार सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। तो ये नहीं क्वेश्चन पूछा गया अभी तक। सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माताओं के निर्धारण का जो महत्वपूर्ण स्रोत है उत्खनन से प्राप्त मानव कंकाल है। मतलब सिंधु घाटी सभ्यता को ज़्यादातर जो हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो जब वहाँ पे उत्खनन हुआ है तो वहाँ के जो कंकाल मिले हैं उससे हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है।
कहते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कंकाल मिले हैं वो कहाँ मिले हैं, मोहनजोदड़ो में। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के किस नगर से सबसे ज़्यादा कंकाल प्राप्त किए गए हैं, तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त किए गए हैं। अब देखिए ये कंकाल बहुत सारे प्राप्त हुए, अब इन कंकालों के वजह से क्या निर्धारित हुआ कि ऐसा पता चला है कि इस सभ्यता में चार प्रजातियां निवास करती थी। कौन कौन सी प्रजातियां निवास करती थी? एक भूमध्य सागरी, एक प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड, एक अल्पाइन और एक मंगोलोलॉयड। चार प्रजातियां ऐसा पता किया गया है, जिसमें ये भूमध्य सागरी जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें जब भी क्वेश्चन आता है तो आंसर आपको भूमध्य सागरी लगाना होता है, ठीक है। फिर देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का थोड़ा सा नगर नियोजन देख लेते हैं इसके बाद। अब सिंधु घाटी सभ्यता जो थी एक नगरी सभ्यता थी, मतलब वहाँ पे नगर बसे हुए थे, वहाँ पे अच्छे नगर नियोजन था, ईंटों के बड़े मकान होते थे, नालियाँ सुव्यवस्थित ढंग से बनी थी, बहुत ही घरों में कुएँ पाए जाते थे और रसोई घर होते थे, मतलब एक नगरी सभ्यता थी। देखिए यह एक नगरी सभ्यता थी और इसके बारे में बात की जाती है कि इसके सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि पर्यावरण के अनुकूल इसका अद्भुत नगर नियोजन तथा जल निकास प्रणाली। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जल निकास प्रणाली थी यहाँ पे और इसका जो पर्यावरण के अनुकूल था ये इसका। इसके बाद देखिए अब डायरेक्ट क्वेश्चन कहाँ से बनता है, ये देखिए यहाँ पर जो सड़कें बनी थी वो एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो ये बहुत जल्दा पूछा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता में से निम्नलिखित में से कौन सी बात सही है या कौन सा कथन सही है, तो चार कथन लिख देंगे उस पर तीन कथन गलत, एक कथन ये डाल देंगे कि सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। फिर कहते हैं कि लगभग सभी नगर क्या होते थे, दो भागों में विभक्त होते थे। कौन कौन से भागों में? एक जो प्रथम भाग होता था, प्रथम भाग में ऊँचे ऊँचे दुर्ग होते थे और उस दुर्ग में क्या करते थे, जो शासक होते थे वह वाला वर्ग निवास करता था ऊंचे दुर्ग में। तथा जो दूसरे भाग थे, दूसरे भाग में नगर या आवेश क्षेत्र के साथ मिले, तो मतलब जो अपेक्षाकृत क्या होते थे, बड़े बड़े होते थे, मतलब यहाँ नगर बसे थे ऐसे तो बड़े बहुत होते थे, तो उसका पता लगा लिया गया कि यहाँ पे जो है नगर बसे हुए थे। फिर थोड़ा देखते हैं आगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में आम तौर पर सामान्य नागरिक क्या थे, व्यापारी, शिल्पकार, कारीगर और श्रमिक। तो ये जो है चार प्रकार के टाइप के लोग सिंधु घाटी सभ्यता में रहते थे। अब बात करते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा की नगर योजना लगभग एक समान थी। मतलब जो हड़प्पा नगर, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा बहुत सारे नगर थे, तो इसमें जो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा है उसकी जो नगर नियोजन थी वो एक समान थी लगभग। और कालीबंगा व रंगपुर को छोड़कर, मतलब कालीबंगा और रंगपुर को छोड़कर सभी पक्की हुई ईंटों के बने हुए थे, ठीक है ना। तो पूछ दिया जाता है इनमें से कौन ऐसा नगर में पक्की ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया था, तो कालीबंगा ना ऑप्शन में होगा या फिर रंगपुर होगा। ठीक, बात करते हैं मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सैंधो सभ्यता का अद्भुत निर्माण। देखिए इसमें बहुत कन्फ्यूजन आती है कि सबसे बड़ी इमारत क्या है, तो ध्यान दीजिए ये स्नानागार है वो सबसे बड़ी इमारत नहीं है, बल्कि वो सैंधो सभ्यता का एक अद्भुत निर्माण है, बहुत अच्छी रचना है। लेकिन ये जो विशाल स्नानागार है वो सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। कल के वीडियो में मैंने ये क्वेश्चन को क्लियर किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि घरों के दरवाजे एवं खिड़कियां मुख्य सड़क पर ना खुलकर गलियों में खुलती थी। मतलब जो घर थे, दरवाजे घर और दरवाजे जो थे घरों के और खिड़कियां जो थी वो क्या होती, मुख्य सड़क पर ना खुल के पीछे की ओर खुलती थी। लेकिन इसमें जो एक नगर है लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का, तो वो लोथल इसका अपवाद था। इसमें क्या होता था, इसमें जितने दरवाजे और खिड़कियाँ थी वो सभी सड़क पर खुलती थी, ठीक है। अब बात करते हैं घरों के दरवाजे हो चुका, यहाँ से हमने देख लिया है। कहते हैं कि यहाँ जो मकान बनाने के कई प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था, जिसमें 4:2:1 लंबाई चौड़ाई मोटाई का रेशियो भी दे दिया गया। इस रेशियो से ईंटें होती थी, प्रयोग की जाती थी कि आकार ज़्यादा प्रचलित थे। तो आज की डेट में मैंने आपको जो जानकारी दी वो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड, उसकी भूमिका, उसका भौगोलिक विस्तार, उसका नगर नियोजन, तो इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको आएंगे आप पूरी तरीके से कर लेंगे। आप ये समझिए कि आप सिंधु घाटी सभ्यता में बैठे हुए हैं और राखलदास बनर्जी या दयाराम साहनी जी हैं,
और आप पूरा उसका उत्खनन कर रहे हैं, ठीक है। और मैं चार्ल्स मैसन हूँ, मैं आपसे उत्खनन करा रहा हूँ। तो पूरा बिल्कुल डिटेल में घुस के उस पर पढ़िए, पूरी जानकारी लीजिए कि हाँ मेरे आंखों के सामने हिंदू घाटी सभ्यता चल रही है, एक एक चीज़ मुझे उसके बारे में पता है, ठीक है। तो आगे देखते हैं चार वेद, कुछ ट्रिक आपके लिए है। देखिएगा चार वेदों के नाम याद करने की, वैसे तो सभी को याद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो आप ट्रिक देख लीजिए कि सारी आया, सारी आया में सा ले लीजिए सामवेद से, री ले लीजिए री बना लीजिए ऋग्वेद से, आ बना लीजिए आ अथर्ववेद से, या बना लीजिए यजुर्वेद से। तो ट्रिक इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप अगर इसको फॉलो करना चाहते हैं कर लीजिए, लेकिन ये एक क्रम गलत है। देखिए क्रम इसका सही क्या होता है चार वेदों का, वो होता है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। पहले ऋग्वेद आया, फिर सामवेद आया, फिर यजुर्वेद आया, फिर अथर्ववेद आया। अब ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें से जो मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता रहा हूँ, इसमें सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। तो पूछा जाता है वेदों में सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। फिर कहते हैं एवं सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे बाद का वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। यजुर्वेद गद एवं पद दोनों वाला वेद है, ऐसा कौन सा वेद है जो गद एवं पद दोनों में है, तो वो आपका यजुर्वेद है। जबकि सामवेद भारतीय संगीत का जनक है, भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, सामवेद है। और अथर्ववेद रोग जो है, अथर्ववेद जो है रोग निवारण तंत्र मंत्र जादू टोना साप वशीकरण प्रेम व आदि विषयों से संबंधित है। तो चार से पांच क्वेश्चन आपको इतने वेद से ही बनते हैं, आप इसको अच्छे से देख लीजिए। बाकी आपको ये को ट्रिक पसंद आती है तो सॉरी, आया से सामवेद ऋग्वेद अथर्ववेद यजुर्वेद याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज के लिए मैं आपको इतनी जानकारी दे पाऊँगा आज के लिए बताना चाहूँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए, और कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा और आपको आगे क्या इसी तरीके से पूरी हिस्ट्री को ख़त्म कराया जाए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने वीडियो को तो बात ये, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए, जिससे मैं जैसे ही कोई वीडियो डाला करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करे, जिसके लिए आपको बेल प्रेस करनी होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।